मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड पापा का नाका स्थित नूर हॉस्पिटल के डॉक्टर इमरान खान के साथ पीके टावर के रहने वाले सोसाइटी के लोगों के साथ कल विवाद हो गया। आपको बता दें कि बीके टावर में ही ग्राउंड फ्लोर पर नूर अस्पताल है और सोसाइटी वाले डॉक्टर इमरान खान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि इमारत जाने के लिए जो रास्ता है वहां पर डॉक्टर इमरान का एक कैबिन ग्राउंड फ्लोर पर है और इसी बीके टावर इमारत के पहले मंजिले पर भी इमरान डॉक्टर का एक रूम है और सोसाइटी के लोगों का कहना है कि डॉक्टर इमरान खान अपने रूम में लड़कियों को लाकर बिठाते हैं। कई बार मना किया गया कि आप अस्पताल के स्टाफ या फिर किसी भी लड़कियों या अन्य कोई भी व्यक्ति को इमारत में ना लाएं। कल शाम में इमरान डॉक्टर ने स्टाफ के एक सदस्य को पहले मंजिले पर अपने रूम में दूध रखने के लिए भेजा। इसी इमारत में रहने वाले वसीम ने इनके स्टाफ की जो महिला दूध लेकर जा रही थी उसे रोक दिया। तभी डॉक्टर इमरान भी वहां पहुंच गए और वसीम से कहा कि स्टाफ से झगड़ा ना करे, जो बात है मुझसे कहे, और दोनों में विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की पर भी उतर गए मगर बीके टावर सोसाइटी के रहने वाले लोगों का कहना है कि इमरान खान डॉक्टर कई बार यहाँ लड़कियों को लेकर आए और इन्हें कई बार मना किया गया मगर ये मानने को राजी नहीं है। सोसाइटी के लोगों ने नूर अस्पताल के डॉक्टर इमरान खान पर क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। क्या नाम है आपका और क्या आपको इस इमारत में तकलीफ हो रही है, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम नाजमा है और ये डॉक्टर के रूम के सामने ही मेरा रूम है। हरदम खुला रहता है, चार लड़की हरदम बैठी रहती है। हॉस्पिटल से लड़की लोग को लेके जाएगा, जब कोई बोलेगा तो झगड़ा करता है और जाके कंप्लेन करेगा। ये कौन सी बात हो गई? आज क्या हुआ था, आज जो ये घटना हुई आप लोग इकट्ठा हुए? ये लड़की को लेके जा रहा था ऊपर, तो वो लड़का बोला कि ऊपर मत लेके जाओ किसी को, तो उसको बोल दे, उसके मुंह पे चढ़ गया वो और सब छुड़ा रहे थे। कोई बाजू में उसके गया नहीं, कोई मारा नहीं उसको, सिर्फ वो झूठे जाके सब बोला है जाके, और किसी ने किसी को उसको कुछ बोले ही नहीं किसी ने। क्या नाम है डॉक्टर? इमरान डॉक्टर। जिसे जिसमें लेके जाता है वो रूम किसका है, उनका है या और किसी का? उसी का, इमरान डॉक्टर का ही है। सामने सामना रूम पहले माले पे है, उसी का रूम है। तो आखिर वजह क्या है, आप लोग मना क्यों कर रहे हो? उनका रूम अगर है तो फिर बीमारी दुनिया की चल रही है, बच्चे हैं, इसीलिए हम लोग मना कर रहे हैं कि मत ऊपर लेके जाओ किसी को। अब वो म्यूनसिपालिटी में काम करने लगा है तो बीमारी लेके आ रहा है ना, सब बच रहे हैं तभी भी वो लेके आ रहा है, ऊपर लेके जाता है। अच्छा, यानी अपने अलावा और भी दूसरे लोगों को लेकर? हाँ, अपने अलावा सबको ऊपर लेके जाएगा, लड़कियों को लेके जाता है ऊपर, तब बोले तो सबसे झगड़ा करता है वो। मामला ये है, हमेशा दादागिरी करता है और बाहर से लड़कियों को लेके आता है, घर में जाता है, हमारी लड़की के घर सामने है, मना करो तो दादागिरी करता है, झगड़ा करता है और सबको दम डांटी देता है। आज भी यही हाल हुआ है, मना करने में लड़कियों को लेके ऊपर जा रहा था। ये सब यहाँ का मैटर है, वो हमेशा यही काम करता है, चार चार पांच पांच लड़की को लेके ऊपर जाता है। उसको घर में रखना चाहिए, अपने हॉस्पिटल में रखना चाहिए, और वायरस फैल रहा है, हम लोग परेशान हैं। बाकायदा इधर उधर से आदमियों को लेके बिल्डिंग में आ रहा है, हम लोग 15 दिन से घर से बाहर नहीं निकले हैं और ये ऐसा काम कर रहा है, यही हम लोगों को परेशानी है। यानी आपका कहना है कि आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल तक ही सीमित रखे, अपने घर में दूसरे को लेकर ना? क्यों, हाँ, दूसरे को लेकर क्यों आता है इधर? हैं, एक तो अनाथराय हॉस्पिटल चल रहा है ना कि कमर्शियल है ये, अभी अभी तो सोसाइटी चाहती है कि बंद ही करवाना है उसको, उसका हॉस्पिटल ही बंद करवाना है, सोसाइटी यही चाहती है अभी। ये हम लोगों की स्टील पार्किंग है, पैसा खिला। अभी पुलिस जो आई थी यहाँ पर, तो आपके यहाँ से कितने लोगों को लेकर गई? हमारे यहाँ से 2 लोगों को लेके गई। क्या नाम? 3 लोगों को, एक मोहम्मद समीम, एक अब्दुल करीम और एक किसको ले गया है, समीम को, हाँ 3 लोगों को ले गया है। धक्का मुक्की या झगड़ा पैसा कुछ हुआ है? नहीं, धक्का मुक्की हुआ है, दोनों आदमी में धक्का मुक्की हुआ है। वो इमरान डॉक्टर से, वो मुँह पे चढ़ गया तो सामने वाला धक्का दिया, ये सब बातें हैं यहाँ। ये हमेशा दादागिरी करता है, जो बोलना है मुझे से बोलो, मैं जो करना होगा मैं करूँगा, हमेशा यही उसकी हाल है। अभी सोसाइटी वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए,
वो अपने मनमानी कर रहा है। दूसरे दूसरे लोग लड़कियों को लेके आके घर में रहता रखता है, पहले महले पे 101 104 में। हमारे आजू बाजू वालों को बहुत परेशानी है, हॉस्पिटल चलाते तो हॉस्पिटल चलाओ, लड़की लाने की क्या जरूरत है घर में। डॉक्टर जो है वो यहाँ से कुछ महिलाएं या और किसी को भी अपने रूम में लेकर जाता है, तो क्या इसीलिए ये पूरा विवाद हो रहा है। जा सकते हैं गेट बना हुआ, लेकिन हमेशा यहाँ पीछे से ही हर चीज करते हैं, यहाँ से आते जाते हैं। हॉस्पिटल के रास्ते से ही इमारत में जाने का रास्ता है यही से? जी नहीं, आगे गेट बना हुआ है और ये ये क्या बोलते हैं, ये डॉक्टर का सीक्रेट रूम नहीं है। ये दरवाजा बंद कराने बोले थे, लेकिन वो बोला मेरी जरूरत के हिसाब से खोलूंगा, पर अभी हमेशा उनका खुला रहता है, आते जाते हैं लोग। अभी इतना म्यूनसिपालिटी में इमारत है ये, तो यहाँ से क्या इमारत में जाने के लिए रास्ता यही है या और है दूसरा? यही एक रास्ता है, और जो दवाखाने का जाने का रास्ता वो आगे गेट है, और लेकिन यहाँ पीछे से एक दरवाजा खुला है, वो यहीं से ही आते जाते हैं और लोग को लेकर आते हैं ऊपर अपने रूम में लेकर जाते हैं। तो आप लोगों ने मना किए डॉक्टर को, तो फिर क्या आप लोगों से वो कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं? मेरा कौन क्या कर पाएगा, इसलिए अभी तो सिर्फ छुड़ा ही रहे थे और उन्होंने जानबूझ के बोले हमारे ऊपर हाथ छोड़े, ये गलत बात है, झूठ इल्जाम लगा रहे हैं। वही जब इस मसले पर हमने डॉक्टर इमरान खान से बात की तो उन्होंने कहा कि लड़कियों को अपने रूम में मैं नहीं भेजता हूं, अस्पताल का अगर कोई भी किसी भी स्टाफ को जरूरत पड़ता है तभी हम जाते हैं, और रूम में अस्पताल के RMO को दिया गया है, वो ज़्यादातर रूम में आराम करते हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सोसाइटी के कई लोग ऐसे हैं जो उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे रूम में किसी भी लड़कियों के साथ मैं नहीं जाता हूँ। वही डॉक्टर इमरान का ये भी कहना है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो सोसाइटी के लोग इसका सबूत दें। नूर अस्पताल के डॉक्टर इमरान खान ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर क्या कहा है? डॉक्टर साहब, कल ये जो विवाद पूरा हुआ था सोसाइटी को लेकर आपके, तो आखिर इसका पूरा मसला क्या था? और जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं आपके ऊपर कि आपका जो नीचे केबिन है सीढ़ी के पास, वहाँ भी आप जो है कुछ लड़कियों को लेकर बैठते हैं, और आपका पहले मंजिले पर एक रूम भी है वहाँ पर भी आप बैठते हो लड़कियों को लेकर, मना करने पर आपने जो है मारपीट की। देखिए ऐसा है ना कि ये जो बोला गया है जिसने भी, वो अगर मैं करता था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? जब मैं मेरे को मार दिया गया ये बोल के कि तुम हॉस्पिटल रन कर रहे हो, तुम यहाँ बीमारी फैला रहे हो, ये बोल के मुझे मार दिया गया, जब मैं उधर MLC करने गया हूँ जब पुलिस स्टेशन में, तभी ये चीज़ मुझके ऊपर क्यों बोली गई? अगर मैं गलत कर रहा होता, पहले से गलत कर रहा होता, आज मैं 11 साल से हॉस्पिटल चला रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा होता तो पहले ही कुछ लोग मेरे खिलाफ इसके खिलाफ बोले होते ना। अभी आपको चाहिए तो चल के देख लो, आप जो अंदर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है आप उनसे राय ले लो भाई के इधर का जो सिस्टम है वो किस तरीके का सिस्टम है। मैं यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल में जो लॉकडाउन शुरू हुआ है तो मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं रुकता हूँ, मेरा घर कुरला में है पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो नाइट में RMO रहते हैं, आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं मेरे पास से, अटेंडेंस रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो नाइट में RMO रहते हैं वो वहाँ पर ऊपर एक माले पे आराम करते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि अगर जैसे मैंने RMO को रूम दिया आराम करने तो कुछ गलत काम के लिए दिए। आपके पास जब भी कोई, अगर आपके पास कोई सबूत है कुछ है तो आप डेफिनेटली मेरे को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है, आप सिर्फ इस बिना पर कि मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ और आप धमकी दे रहे हैं मेरे को, मैं आपकी बात नहीं मान के पुलिस में जा रहा हूँ, इसके खिलाफ़ आप मेरे लिए मेरी इज्जत के ऊपर दुनिया भर का तोहमत लगा रहे, तो ये गलत है भाई। नहीं, सोसाइटी वालों का ये भी कहना है कि आप लोगों, आपको जो है कई बार इसके लिए मना किया गया। नहीं भाई, मुझे मुझे पॉलिटिकल जो है उनको धमकी देते हैं पॉलिटिकल भाई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइएगा, उन्हें डराते धमकाते हैं और हमेशा जो है इसी तरह से लेकर। अच्छा, अगर वो लोग मुझसे डरते खासतौर पर कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है इसको लेकर जो उन लोगों ने खासतौर पर आपको मना किया कि आप ऐसा ना करें, किस चीज को लेके? मैं सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्यूटी पे जाता हूँ, और मेरा हॉस्पिटल पिछले 15 दिन से बंद था, सिर्फ अभी तीन चार दिन पहले ही 2-3 मरीज एडमिट हुए, वो भी वायरल हेपेटाइटिस के थे, बुखार के नहीं थे, बोल के हमने एडमिट किया। अभी फिलहाल में सिर्फ एक पेशेंट एडमिट है, वो भी चला जाएगा तो फिर से कोई स्टाफ नहीं आएगा। मैं जो गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा हूँ TMC में, गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहा हूँ मैं,
और मैंने बिल्डिंग वालों को बोला भी था कि मैं हॉस्पिटल बंद रख रहा हूँ, मैं कोई पेशेंट ओपीडी आईपीडी नहीं कर रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप यहाँ के माहौल के जो लोग हैं उनसे पूछ के देख सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल चालू रखा था या नहीं रखा था। मैं यहाँ के जो मेरे मरीज थे वो मेरे फीवर ओपीडी में जो आते थे मैं उधर देखता था, इधर मैं एडमिट भी नहीं कर रहा था, तो कोई भी स्टाफ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे स्टाफ को तो मैं ऑलरेडी छुट्टी दे चुका था, ना कोई किसी का आना था ना किसी का जाना था। ये लोग सिर्फ मैंने ये लोग मेरे को डराए धमकाए, मैं पूरी बात बोल देता हूँ भाई क्या हुआ पूरे भाई, पहले डराए धमकाए, आज 7-8 दिन पहले भी मेरे को ये लोगों ने ये बात बोला कि तुम हमारे इधर से आते जाते हो ना, तुम इधर रुकने का नहीं, बिल्डिंग के नीचे मेरे को बोला गया कि तुम इधर रुकने का नहीं, तुम डायरेक्ट चले जाने का। मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि ये लोग ने मेजोरिटी बना के मेरे खिलाफ़ बहुत लोगों से बोले हों, लेकिन आप पर्सनली अगर एक एक जन से मिलते हो ना, ये जिन लोगों के घर से हुआ है ना, ये दो घर वालों में से एक एक घर के 6 से 7 मेंबर इसी बिल्डिंग में रहते हैं और एक जो है ना उसके 2 मेंबर रहते हैं, तो मतलब टोटल 8-9 जन इनकी फैमिली के हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ उनकी फैमिली वालों को छोड़ के आप किसी से भी पूछेंगे, उनके दोस्त में से एक आध उनका साथ दे दें, लेकिन अगर आप आज नहीं एक दो दिन बाद भी पूछेंगे वो लोग से, तो शायद से वो लोग जब सच का साथ देने की उनके भी दिलो दिमाग में आ जाएगा तो वो आपको ये बात बोलेंगे कि हाँ मैं ये गलत काम करता हूँ नहीं करता हूँ। अच्छा, इस तरह से सोसाइटी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप 4 से 5 लड़कियों को लेकर जाते हैं, तो क्या वो आपके स्टाफ के रहते हैं या कोई कैसे, कोई आप ये बताइए कौन सी लड़कियों को हम लेके जाएंगे, आप जाने दोगे आपके आसपास में? ये सिर्फ फॉल एलिगेशन है, सिर्फ इसलिए कि जो मैंने स्टेप लिया है, जो मैंने पुलिस कंप्लेंट किया है, ये लोग मुझे बदनाम करके, मेरे को कल फ़ोन भी आया था उनमें से कि हाँ अगर आप ये नहीं करते हो तो हम लोग मीडिया में आपको बदनाम कर देंगे, ऐसा बोला भी गया, मेरे को धराया भी गया, धमकाया भी गया। उसके बाद ही आपका फ़ोन आया था कल रात में जब आपका फ़ोन आया, जब मैं आपको बोल रहा था कि भाई मैं अभी कोई सिचुएशन में नहीं हूँ देने के आपको इंटरव्यू, उसी टाइम उससे थोड़ा टाइम पहले मेरे को कॉल आया और यही मेरे को बोला गया कि आप अगर हॉस्पिटल चला रहे हो तो चुपचाप चलाओ, अगर आप ज़्यादा ये करोगे तो हम आपको जीने नहीं देंगे वहाँ। अच्छा, किसने कहा था ये, कोई नाम वगैरह है? यही बिल्डिंग में से ही आपको डराया धमकाया गया? हाँ, इधर बिल्डिंग में आज भी, कल मैंने केस किया है, कल वो लोग मतलब रात में छूट गया, आज 11-12 बजे भी इन लोगों ने मेरे को ये किया है, जाने आने से टोका है। ये बिल्डिंग में जिनके घर में किसी कोई मैयत हो जाए, किसी के घर में नियाज फातिया हो, सब लोग मेरा रूम यूज़ करते हैं, मालूम किसी का शादी हो जाए, किसी का मेहमान आ जाए तो भी मेरा रूम यूज़ करते थे, आज वही लोग मेरे पर इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल है आपसे, जो लड़कियों की बात सामने आ रही है तो क्या वो आपके स्टाफ रहते हैं, किसी काम वगैरह से जाते नहीं, हैं? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको सच सच बताता हूँ, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, सच सही बताता हूँ। देखिए, ये एक खाला है जो दिन में 10 बार जाते होंगे, यानी और कोई लड़की नहीं जाती? नहीं, इनके अलावा अगर कोई एक आध नर्सिंग, जैसे कल का भी जो मसला था ना वो सिर्फ अफ्तारी के पहले दूध गर्म करने का था और कोई भी इशू नहीं था, ठीक है? वो भी ये खाला जा रहे थे, उन लोग ने देखा, उन लोग ने चिल्लाया कि तुम लोग ऊपर ने क्यों जा रहे, ये खाला भी थे, ठीक है? और कोई नहीं, अब मेरे को बताइए ना भाई, अगर मैं कितना इतना मैं अगर बहुत बड़ा आसमान पे बैठने वाला भी आदमी होता, अगर आपके घर में घर के आजू बाजू में कुछ गलत कर रहा था तो आप लोग बर्दाश्त करते थे? कल ही क्यों हुआ, मैं 11 साल से हूँ भाई, इधर 11 साल से हॉस्पिटल चला रहा हूँ, बिना वजह सिर्फ पूछना था मेरा कि भाई तुमको मैंने सिर्फ इतना ही बोला उन लोगों को कि तुमको अगर भाई किसी भी स्टाफ का जाना ना नहीं, तुम मेरे को बोलो, मैं हूँ तुम मेरे को बोलो, उनको गाली मत दो स्टाफ को, क्योंकि वो लोग मेरे इधर काम करते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही बात बोला था बस। और आपका स्टाफ कल शाम में गया था? नहीं, सिर्फ ये जो खाला ना जा रहे दूध रखने के लिए और कुछ नहीं, वो भी अफ्तारी के कुछ टाइम पहले मैं सामने से दूध लिया और मैंने इनके हाथ में दिया, खाला के हाथ में, कि खाला ये दूध ऊपर रखवा देना, और मैं चला गया अफ्तारी लेने। मैं अफ्तारी लेके 15 से 20 मिनट में आया, आप चाहिए तो दूध वाले भाई से पूछ लो, मैं असर की नमाज़ पढ़ाऊँ, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं उतरा हूँ, उतरने के बाद मैंने सामने से दूध लिया, इनके हाथ में दिया कि आप ऊपर रख दो दूध, और मैं अफ्तारी लेके गया हूँ, अफ्तारी लेके 15 मिनट बाद मैं आया हूँ। ये लोग रो रहे थे, इन लोग से पूछा क्या हुआ, ये लोग बताए सब, मैं सिर्फ इतना बोला हूँ कि भाई तुमको मेरे से अगर तकलीफ है तो तुम मेरे को डायरेक्ट बोलो, स्टाफ लोग को गाली ली मत दो, बस इतने पे तो उन लोग मेरे को पकड़ के मारने लगे बिना वजह। बहरहाल सोसाइटी के लोग इमरान खान डॉक्टर पर लड़कियों को अपने रूम में बिठाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वही डॉक्टर इमरान इस बात से
इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर इमरान ने कल हुई झड़प को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एनसी दर्ज कराई थी और एनसी दर्ज होने के बाद पुलिस ने वसीम और शमीम को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई पूछताछ कर की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।